बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ बहुत ही मज़ेदार शवारमे की रेसिपी के साथ, जो आपको बहुत पसंद आएगा और आप अपनी फैमिली को ये होम मेड शवारमा बना कर खिलाएँगे तो वो बहुत खुश होंगे और आपकी तारीफ़ भी करेंगे। और चलें भी मैं आपको दिखाती हूँ इसके इन्ग्रीडियंट्स। जी, तो सबसे पहले मैंने चिकन लिया है 250 ग्राम्स, और 250 ग्राम्स चिकन लेके मैंने उसको क्यूब्स में काट लिया है। और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो चॉप्ड गार्लिक डालूंगी, और अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून रेड पेपर पाउडर और 1 टीस्पून ही सॉल्ट जाएगा। और अब मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट के बाद मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और ब्लैक पेपर पाउडर के बाद मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला, और इसके बाद अब जाएगा 2 टेबलस्पून सोया सॉस, और 2 टेबलस्पून भर के मैंने सोया सॉस डाले हैं। और उसके बाद मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून ऑफ चिली सॉस। चिली सॉस डालने के बाद मैं इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून ही योगर्ट के 2 टेबलस्पून डालने के बाद मैं इसमें इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद ये देखें, अब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून बटर लिया है, उसको मैंने मेल्ट कर लिया है, वो मैं डालूंगी। 2 टेबलस्पून बटर डालने के बाद मैं इसमें हाफ़ लेमन डालूंगी। हाफ़ लेमन का जूस मैंने इसमें स्क्वीज़ कर दिया है, उसके सीड्स रिमूव कर लेंगे बाद में हम। और उसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं हाफ़ एन आवर के लिए मैं इसको मैरिनेट करने के लिए कहीं भी रख दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी या बाहर। अब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेशन के लिए रख दें। उसके बाद सॉस की बारी आ गई। सॉस में सबसे पहले मैंने 1 कप मेयोनीज ली है। 1 कप मेयोनीज में मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो चिली गार्लिक केचप के डाले हैं, और उसके बाद मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगी। ब्लैक पेपर पाउडर डालने के बाद मैं इसमें सॉल्ट भी डाल चुकी थी, सॉल्ट भी डाला था मैंने इसमें। और सॉल्ट डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और मेयोनीज जब मैंने इसमें डाली थी तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून योगर्ट के भी डाले थे। ये जब सॉस अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी और इसको हमने उसकी मैरिनेशन के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं वेजिटेबल्स दिखाती हूँ। मैं वेजिटेबल्स में मैंने क्यूकम्बर लिया है, उसको मैंने जूलियन कटिंग की है, और मैंने जो कैरेट है और अनियन है इसको मैंने विनीगर में डिप करके रख दिया था। आपने इसको अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स के लिए अनियन को और कैरेट को मिक्स करके रख लेना। अब हम इसके असेंबलिंग करेंगे। असेंबलिंग के लिए मैंने शवारमा की ब्रेड को मैंने टोस्ट कर लिया था, और अब मैं इसमें चिकन रखा। सबसे पहले चिकन रखने के बाद मैंने इसमें सॉस लगाई है, सॉस के बाद मैंने इसमें क्यूकम्बर डाला है, और अब मैं इसमें पिकल वाली वेजिटेबल्स डालूंगी जो कि अनियन और कैरेट्स हैं, उनको मैं रखूँगी और इसको मैं असेंबल्ड करती जाऊँगी। उसको मैं उसके बाद मैं इसको बटर पेपर में रैप करती जाऊंगी। और इस फिलिंग के साथ अप्रॉक्सीमेटली मेरे शवारमे जो हैं वो बन गए थे 6 शवारमास। तो चलें, आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।